1986 सिख विरोधी दंगों के मामले में शनिवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पहुंचे। कोर्ट ने जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत स्वीकार कर दी है। वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर जगदीश टाइटलर के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने हाथों में टाइटलर का जमानत दिल्ली दंगों की पीड़ितों के साथ अन्याय लिखी तख्तियों के लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर विरोधी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए और हाथों में तख्तियां और पोस्टर किए हुए थे। इन पर लिखा था, जिसे होनी थी जेल उसे क्यों मिली जमानत और टाइटलर को जमानत क्यों दी गई। अदालत के सामने विरोधी प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों लोगों ने न्याय की मांग की। बिलवाड़ा में नाबालिग लड़की का जला हुआ शव मिलने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि पुलिस ने 4 से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई करने के मामले में राजस्थान नंबर 1 है और बीजेपी इसकी तुलना मणिपुर जैसे राज्यों से करके कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अशोक गहलोत ने कहा, कल बिलवाड़ा की घटना में पुलिस ने रात 4 से लेकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और क्या करेगी, कार्रवाई करने के मामले में हम सभी राज्यों में नंबर 1 है। यह राजनीति है और हम इसे स्वीकार नहीं करते। राजस्थान बहुत ही शांति प्रिय प्रदेश है, मणिपुर से तुलना करके बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। कुछ घटनाएं हुई है, हर राज्य में घटनाएं हो रही है। इनको मध्य प्रदेश घटना नहीं दिखती है। बीजेपी का MLA पूर्व MLA का बेटा उसमें शामिल है। जोधपुर में 2-3 लड़के थे, ABBP के लड़के थे, उन्होंने उस बच्ची का रेप कर दिया, गैंग रेप कर दिया, उसको इनकी जिक्र नहीं करेंगे। और बरजंग सेना बनी हुई है अलवर के अंदर, उसके कार्यकर्ता ने रेप किया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा, ये जो रेप हो रहा है या अत्याचार हो रहा है, इसमें हम सब मिलके समाज को शिक्षित करें, उनको मोटिवेट करें, परिवार में ध्यान रखें, बच्चों का भी, और उस ढंग से ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो कि लड़की लड़के बिना पूछे हुए चले जाते घर से, भाग जाते हैं। नौबत आनी नहीं चाहिए। और परिवार के जनों को भी चाहिए कि बच्चों के ख्याल रखिए, उनके दिलों के अंदर क्या है, दिमाग में क्या है, कि बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कि बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं। आप देख लो क्या क्या घटना हो रही है। ये तभी रुक सकता है जब माँ बापों का दिल बड़ा हो। अगर किसी ने मान लीजिए किसी के लव अफेयर हैं, तो माँ बापों को चाहिए कि समझाइश करे, उन्हें छूट दे, शादी करने की छूट दे। अपना प्रतिशत प्रश्न बना करके जब वो बैठते हैं, बच्चे फिर आप देखिए गुस्से के अंदर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ब्यावर की घटना थी, लड़का लड़की दोनों माइनर है, दोनों चले गए जोधपुर और जा रहे थे अहमदाबाद जा रहे थे, रास्ते में घटना हो गई। ये घटना अधिकांश इस कारण होती है जिससे कि हम लोग उन बातों को स्टडी कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हम तमाम मीडिया वालों के सहयोग से भी हम चाहेंगे इन घटनाओं का किस प्रकार से जो राजस्थान पुलिस ने काम करती है, जिस प्रकार 2-2 घंटे में 4-4 घंटे में अरेस्ट करती है मुजरिमों को, ये कोई कम बात नहीं है। कल भीलवाड़ा की घटना थी, 4-5 मुजरिम को रात को गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस और क्या करेगी, तो करेगी। एक्शन करने में हिंदुस्तान भर के राज्यों में हम सबसे आगे हैं एक्शन करने के अंदर। घटनाएं कौन सा राज्य है देश के अंदर जहाँ घटना नहीं होती है, फिर भी क्योंकि मणिपुर को डाइल्यूट करना केस को, जहाँ इन्होंने भारी ब्लंडर किया है, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने और अमित शाह जी ने, एक बार जाके आगे फॉर्मेलिटी करके आज वहाँ 80 दिन 85 दिन हो गए हैं, मणिपुर जल रहा है। रेप की घटनाएं मुख्यमंत्री मानता 100 से अधिक हो गई होगी, 3-4 हज़ार FIR दर्ज हो गई वहाँ पर। 2 समुदाय जो उसी स्टेट के हैं, आपस में दुश्मनी पाले हुए हैं, उनके पास हथियार आ गए हैं, या तो लूट लिए हैं या पुलिस ने दे दिए हैं, एक 47 भी उसके अंदर शामिल है। उस राज्य से आप कंपेयर करो राजस्थान को, छत्तीसगढ़ को।
झुंझुनू ने रहने वाले राकेश बालेदिया करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय कर कुमार सानू के मिलने मुंबई पहुंचे। राकेश बालेदिया ने 17 जुलाई को झुंझुनू से अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने कुमार सानू के घर पर उनसे मुलाकात की। जैसे ही राकेश कुमार सानू के घर पहुंचे, उन्होंने राकेश के गले लगा दिया। राकेश ने अपने फेवरेट सिंगर को फ्लू को गुलदस्ते देकर ग्रीट भी दिया। मुंबई पहुंचने के बाद ANA से बात करते हुए राकेश से बात की। उन्होंने कहा, मैं आपको शब्दों से नहीं बता सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं जब 12वीं क्लास में थी तब मैंने कुमार सानू के गाने पहली बार सुने थे। मैंने उनसे ही गाना गाना सीखा। मैंने शहर में लोग मुझे जानते हैं क्या कि मैंने उनसे सीख कर ही अपने शहर में अपनी पहचान कायम की है। हमारे फैंस जो है वो हमें इतना प्यार करते हैं, हमें मालूम है प्यार करते हैं। इनमें से राकेश है जो स्पेशली उसको मैं इसलिए गले लगाया कि इतना दूर से वो आया। सबको तो संभव नहीं होता है सब हमारे फैंस को गले लगाऊं, लेकिन इसको गले लगाया इसलिए कि ये 1200 किलोमीटर दूर से साइकिल चला के मेरे लिए, मेरे को देखने के लिए, मेरे साथ मिलने के लिए आए हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही खुश हुए एंड बहुत ही क्या बोले इमोशनल हो गया थोड़ा सा, बट आई एम रियली क्या बोले बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ एक्सप्लेन कर नहीं सकता कि जो मेरे अंदर चल रहा है, क्योंकि दादा पास में बैठे तो ऐसा लग रहा है कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। जिनको मैंने बचपन से सुना है, मैं बचपन से इंट्रोवर्ट रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ना खेलने में अच्छा था ना पढ़ाई में इतना अच्छा था, बट और ऐसी फैमिली से रहता हूँ, मतलब होम आता हूँ, मेरे पापा मजदूरी करते हैं, मम्मी भी हाउस वाइफ है, वो भी मजदूरी करती हैं। मैं ऐसा था कि मैं क्या करूँगा लाइफ में आगे। ट्वेल्थ करने के टाइम पे उससे पहले मैं गाने सुनने लग गया था वैसे, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल होते नहीं थे। मैंने भी मजदूरी करके मोबाइल खरीदा था और सबसे ज़्यादा दादा के गाने मैंने उसमें भरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र यात्रा के एक महीने बाद मिस्र की राष्ट्रीय वाहक इजिप्ट एयर ने 5 अगस्त को काहिरा से नई दिल्ली के लिए पहली सीधी उड़ान की घोषणा की। ANA से बात करते हुए इजिप्ट एयर की कंट्री मैनेजर अम्र अली ने कहा कि दोनों देशों के बीच एयरलाइन रूट खुलने से मौजूद रिश्ते और पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। Actually, both esteemed countries have a very deep and old, strong relations. And India and Egypt also considered one of the oldest civilizations in the world. Nowadays, we of course note the development for the bilateral relations between the both countries. And of course, opening airline route links between the both capitals will enhance the current relations, will enhance the tourism between the both countries, and also will supply for the Indian travelers many varieties of the product that they can travel to many destinations of Egypt Air network beyond Cairo, and also can have a very good prices and fares from Delhi to Cairo. So the main focus is what? If Indian wants to travel Egypt and Egyptian wants to travel India, there is a hurdle between a visa and other documentation. How this will help Indian citizens and other travelers? Of course, the direct flight will encourage more travelers to travel between the both countries. And I think no problem at all for Indian citizen to obtain entry visa to Egypt. Also the same for Egyptian citizen. We can also, as Egypt Air customers, they have and enjoy the advantage for fast track
obtaining visa from the Egyptian embassy within about maximum 48 hours. It's a very good privilege for our Egypt Air customers that saves their time and their efforts, of course. What kind of exclusive services are you providing to the travelers from Delhi to... समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मोदी अपमान को लेकर की गई टिप्पणी मामले में उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने का निर्णय का स्वागत किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद उन्होंने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की नीचा दिखाने वाली राजनीति की हार हुई है। इससे पहले शुक्रवार को अखिलेश ने ट्वीट कर कहा था, स्वच्छ न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका के लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है। भाजपा के नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान पर शोक में झुक जाना चाहिए। और जगह जिस तरह सूचना मिल रही है, सच्चे लोगों को सामने आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म को और धर्म का दुरुपयोग करके राजनीति और कुर्सी हथियाना चाहती है। समाज में भेदभाव खत्म हो, जो हमारे भाईचारा है वो कायम हो, और जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई है, न केवल भारत के लोगों को बल्कि दुनिया में भारत का सर झुका है। कोई कल्पना कर सकता है कि माताओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ इस तरह घटना हो, उनको कपड़े उतार कर दिखाया जाए। याद करिए, महाभारत में केवल तीर खींचा गया था, महाभारत हो गई। और जिस तरह की घटना मणिपुर में हुई है, भाई ऐसे मत बोलिए, इन्होंने नारी का सम्मान गिराया है। आज हम सबको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि जो गैर समाजवादियों ने कही और नारी समता की बात कही, वही नारी का सम्मान कैसे बचेगा, उस दिशा में भी हम लोग को संकल्प लेना होगा। इसरो ने कहा कि भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे के आसपास चंद्रयान 3 के लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन LOI के पूरी तरह तैयार है। इसरो ने बताया कि अंतरिक्षयान के चंद्र की लगभग 2/3 यात्रा पूरी कर ली है। इससे पहले 5 अगस्त को इसरो ने चंद्रमा की ओर चंद्रयान 3 ट्रांस लूनर इंजेक्शन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। इसरो ने 1 अगस्त को बेंगलुरु में ईस्ट रैक्स से अंतरिक्ष यान को ट्रांस लूनर कक्षा में स्थापित किया है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा बढ़ाने के लिए सिलसिलेवार तरीके से चंद्रमा की ओर अपनी घुमावदार यात्रा 0 रखे हुए है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के चंद्र कक्षा सम्मेलन की योजना 5 अगस्त 2030 को बनाई गई है। दुनिया ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक प्रक्षेपण के दिखा।
बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी कर दी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा हार जाएगा। तेज प्रताप जी, जिस तरीके से कल राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, बीजेपी की एक बड़ी हार हुई है, क्या कहिएगा इस पर? अब बीजेपी की पूरे तरीके से हार ही हार है। बीजेपी की पूरे तरीके से हार है। महागठबंधन के सामने भाजपा आरएसएस नहीं टिक सकता है। हमने तो कह दिया था कल ही बैठक में, कल हमारा जो प्रोग्राम था उसमें हमने कह दिया, भविष्यवाणी भी कर दिया कि 24-25 पे पूरे तरीके से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने घमंडिया शब्द का इस्तेमाल किया इंडिया के लिए, सर क्या कहिएगा इस पर, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल? वो तो देशद्रोही है प्रधानमंत्री जी, जो इंडिया को इस तरीके का बात बोल रहे हैं। इंडिया को इस तरीके का बात भारत को नहीं बोलना चाहिए। भारत में रह करके अब भारत को गाली देना ये गलत है।